गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। आज मैं बना रही हूँ कड़क सोहन हलवा। यहाँ पर मैंने एक कटोरे में मिल्क पाउडर और एक कप में चीनी लिया है और थोड़ा सा मैदा लिया है और ड्राई फ्रूट्स जो है मैंने जिसमें हम सेट करेंगे उसमें रख दिया है। और इसमें मैं घी भी लगा दे रही हूँ पहले, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है सेट करने के लिए, तो पहले ये सब रेडी कर लेना पड़ेगा। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं था अंगूरी आटा क्या होता है। जब मैं ये ट्राई कर रही हूँ तभी पता चल रहा है कि गेहूँ का जो वो होता है अंकुरित करके उसका पाउडर होता है अंगूरी आटा। तो आप सब लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर जो है मिल्क पाउडर लिया है, कोई सा भी आप ले सकते हैं आपके पास जो अवेलेबल है। और यहाँ पर मैं जो घर का ही चम्मच है ये, जिससे हम डेली खाना वगैरह खाते हैं, नॉर्मल चम्मच है, कोई सा भी आप ले लें। इसे मैं कम से कम 4 चम्मच मिल्क पाउडर ले रही हूँ और इसी चम्मच से मैदा लेना है 4 चम्मच। सेम क्वांटिटी में लेना है मैदा और मिल्क पाउडर को, और दोनों को अच्छे से मिला लेना है। मिल्क पाउडर जो है मैंने ले लिया है, अब मैं मैदा ले रही हूँ 4 चम्मच। और मीठा ऐसे इसमें ज़्यादा ही होता है, तो मैंने 1 कप चीनी लिया है इस हिसाब से। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, पाउडर और मैदा, मिल्क पाउडर और मैदा को। और इधर जो है मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें मैं 4 चम्मच घी लूँगी। जिस चम्मच से मैंने मिल्क पाउडर और मैदा लिया था उसी चम्मच से 4 चम्मच घी ले रही हूँ। अच्छा से गरम हो गया है और आँच को मैंने कम ही रखा है। और इसमें हम चीनी डाल देंगे और कम आँच में ही चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे, चलाते रहेंगे बीच बीच में। ये रहा, मैंने 4 चम्मच घी ले लिया है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, इसमें पानी वानी कुछ नहीं मिलाना है। ये रहा, 1 कप मैं चीनी डाल दे रही हूँ और इसको कम आंच में चलाते रहना है। और आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे मेल्ट होता जाएगा, थोड़ा जमने लगेगा, कम आँच में चलाते रहना है। ये रहा, आप देख सकते हैं चीनी जो है अभी मेल्ट होने वाला है, थोड़ा थोड़ा इसमें जम रहा है। ये रहा, आसानी से नहीं चलाना हो रहा है। और 5-10 मिनट कम से कम लगेंगे और आँच को हाई नहीं करना है, कम आँच में पकाना है, क्योंकि जल्दी से वो हो जाता है। और ये रहा, आप देख सकते हैं अच्छा से मेल्ट हो गया है। अभी हम इसमें मिल्क पाउडर और जो मैदा निकाल के रखा है उसको ऐड करेंगे और ये अच्छे से मेल्ट होने के बाद आँच को कम कर देंगे, या तो आप बंद ही कर दें क्योंकि बहुत गर्म होता है। जो चीनी का चाशनी है ना वो भी बहुत गर्म होता है और पैन भी, इस वक्त बिल्कुल रुकना नहीं होता है, जैसे ही मिलाया ऐसे ही चलाना होता है और जलने का भी चांस रहता है। आप या तो सीधा बंद कर दें फ्लेम को, या तो कम आँच में एक बार उतार लें एक बार चढ़ाएं ऐसे। ये रहा, इसको अभी हम चलाते रहेंगे। ये रहा, आप देख सकते हैं अच्छा से मैंने मिक्स कर लिया है। और अभी हम तुरंत इसको जो हमने कप सब में करके रखा था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह घी लगा के रखा था, उसमें जल्दी से सेट करेंगे, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा ऐसे। और ये रहा, मुझे टाइम भी नहीं मिला कैमरा पकड़ने का, ये रहा मैंने जल्दी से सेट कर दिया है। आपके पास जैसे कटोरी है 1 सेब का तो वो ले लें, मेरे पास ऐसे 1 सेब का नहीं था, तो कुछ मैंने कप में कर दिया था, कुछ बच्चों का लंच बॉक्स था उसमें और एक कटोरी में कर दिया था। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है ऐसे। और आप देख सकते हैं ये अच्छे से सेट हो गया है, उसके बाद मैंने निकाल लिया है, अच्छा से ठंडा होने देना है, ये अपने आप ही निकल जाएगा फिर अच्छा से सेट होने के बाद। ये आप देख सकते हैं कितना स्वादिष्ट लग रहा है, और निकालते वक्त तो ऐसे लग रहा था आवाज़ आ रहा था पत्थर जैसे। मैं सोच रही थी ये हम खाएंगे कैसे, इतना कड़क है सोच रही थी, लेकिन थोड़ा सा खा के देखा तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ऐसे, बहुत ही स्वाद लग रहा था। और आप सब भी ट्राई कर सकते हैं। और आप सब लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल पर अगर कोई भी नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।
मुझे ऐसे डर भी लग रहा था कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन हम ट्राई नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, इस वजह से भी मैंने ट्राई किया है। चलो देखते हैं कैसे बनता है, कैसे लगता है खाने में करके, और बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। और